नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हरिद्वार शादी सेक्स और धोखा मामले में नया ट्विस्ट है। आरोपी ने 45 लाख की ठगी का लगाया इल्जाम। हरिद्वार में शादी सेक्स और धोखा मामले में नया ट्विस्ट आया है। अब आरोपी ने SSP से न्याय की गुहार लगाई है। आरोपी का कहना है कि जो महिला गैंगरेप का आरोप लगा रही है उससे उसकी शादी हुई थी। महिला ने शादी के समय अपनी पहली शादी और 3 बच्चों की बात छिपाई थी। आरोपी शख्स ने ये भी इल्जाम लगाया कि महिला ने उससे 45 लाख रुपए ठग लिए हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में आज पेट्रोल के दाम 94.94 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 90.99 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम 94.30 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 90.41 रुपए प्रति लीटर है। रुद्रपुर में नशे में धुतियुको की कार अनियंत्रित होकर तालाब में डूबी, मुश्किल से बची जान। गंगापुर सड़क किनारे बने तालाब में एक कार अनियंत्रित होकर डूब गई। इस दौरान कार सवार 2 युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं चालक को स्थानीय लोगों द्वारा बाहर निकाला गया जिससे उसकी जान बची। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग नशे में धुत, इसी कारण कार पर चालक नियंत्रण खो बैठा और ये हादसा हो गया। निर्माणाधीन सैन्य धाम का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया निरीक्षण, कहा जल्द करेंगे जनता को समर्पित। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव पहुंचकर सैन्य धाम के निर्माण कार्य को लेकर स्थल निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री जोशी ने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। जिस प्रकार निर्माण कार्य की रफ्तार है, निश्चित ही हम तय समय सीमा से पूर्व ही सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे। धर्मनगरी में रात 10 बजे के बाद भी डीजे का शोर, 5 बैंकेट हॉल पर लगा जुर्माना। हरिद्वार में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे बैंकेट हॉल मालिकों पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 5 बैंकेट हॉल संचालकों पर जुर्माना लगाया है। ये बैंकेट हॉल रात 10 बजे के बाद भी डीजे बजाकर लोगों की नींद उड़ा रहे थे। स्थानीय लोग कई दिनों से इन बैंकेट हॉल की पुलिस से शिकायत कर रहे थे। जॉनसन में डंडी कंडी से मरीज को 8 किलोमीटर चलकर पहुंचाया अस्पताल, पहाड़ों पर सेवाएं खस्ताहाल। जॉनसन भवन में आज कई ऐसे गांव हैं जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए, उन्हीं गांव में एक दावा गांव भी है। ऐसे में गांव में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो ग्रामीणों का मुख्य मार्ग तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जौलीग्रांट हवाई अड्डे को विस्तारीकरण पर बेफिक्रकरण महारा, कहा विस्थापन को लेकर आशंकित है लोग। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि टेरी बांध विस्थापित अठूर वाला और जौलीग्रांट के सैकड़ों परिवार व दुकानदारों के अलावा होटल और ढाबे चलाने वाले लोग आशंकित होकर आंदोलन कर रहे हैं। 7 दिसंबर से शुरू होगा सवाड़ गांव का अमर शहीद मेला, ये है खासियत। चमोली जिले में वीरों के गांव के नाम से प्रसिद्ध सवाड़ गांव का अमर शहीद मेला 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस बार ये मेला 3 दिन तक चलेगा। 15वें वर्ष में प्रवेश कर रहे शहीद मेले से पहले अंग्रेजों द्वारा दिए गए शिला पट्ट को अमर शहीद स्मारक पर स्थापित किया गया। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ ने 10 दिसंबर को बुलाई आम सभा, बताया नाराजगी का कारण। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ ने चिकित्सकों को लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही संगठन ने 10 दिसंबर को आम सभा बुलाई है जिसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। देहरादून में खुला प्रदेश का पहला आंचल कैफे, शहीद के परिवार को मिली संचालन की जिम्मेदारी। उत्तराखंड राज्य का अपना दुग्ध उत्पादन ब्रांड आंचल डेयरी प्रदेश में आंचल कैफे खुलने जा रही है। पहले चरण में विभाग ने देहरादून के घंटाघर स्थित MDDA कॉम्प्लेक्स में आंचल कैफे का शुभारंभ कर दिया है। दरअसल दुग्ध विकास ने प्रदेश के शहीदों के परिजन, आंदोलनकारियों और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाने को लेकर एक नई पहल की है। वर्तमान में मौजूद अन्य दुग्ध कंपनियों को सीधा टक्कर देते हुए उत्तराखंड की दुग्ध ब्रांड आंचल को पूरी तरीके से स्थापित किया जा सके। सुविधाओं के अभाव में चार धाम यात्रा में हुई सबसे ज्यादा मौतें, स्वास्थ्य विभाग का कबूलनामा। उत्तराखंड चार धाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दम तोड़ा है। हालांकि पहले तो स्वास्थ्य विभाग इस बात को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने ये मान रहा है कि उत्तराखंड चार धाम में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, इसका खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ता है। अपनी इन गलतियों से सबक लेते हुए स्वास्थ्य विभाग कुछ नई योजनाओं पर काम कर रहा है ताकि भविष्य में श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम न तोड़ना पड़े। शराब पीने के बाद हुआ विवाद तो बेल्ट से घोटा भास्कर पांडे का गला, 4 आरोपी गिरफ्तार। नैनीताल के रामनगर के सेमल खलिया निवासी भास्कर पांडे की हत्या का पुलिस ने चंद घंटों में भी खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ने SSP पंकज भट्ट ने 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। सोमवार सुबह भास्कर पांडे का शव मोहल्ला खताड़ी पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर शिक्षा विभाग के कर्मचारी के सरकारी आवास से बरामद हुआ था। खनन के लिए खुले गौला नदी के गेट, कारोबारियों के इस फैसले से सरकार को हो रहा घाटा। कुमाऊं की लाइफलाइन कही जाने वाले गौला नदी से 4 गेट उपखनिज निकासी के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन समस्या यह है कि खनन कारोबारियों ने खनन निकासी से हाथ खड़े कर दिए हैं। खनन कारोबारी एक प्रदेश एक रॉयल्टी को लेकर विरोध जता रहे हैं जिसके चलते वह खनन कार्य करने से मना कर रहे हैं। पतंजलि की महिला कर्मचारियों से चलती बस में मारपीट और छेड़खानी, जांच में जुटी पुलिस।
कोतवाली क्षेत्र स्थित हुसैनपुर गांव के पास बस में एक सवार फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी के साथ छिड़खानी और मारपीट का मामला सामने आया है। ये सभी कर्मचारी पतंजलि वेलनेस सेंटर में काम करते हैं। मामले में लगकर कोतवाली पुलिस ने दो नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। देवप्रयाग MLA ने CM धामी से की मुलाकात। अलकनंदा नदी पर नए पुल के लिए मिली वित्तीय स्वीकृति। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी पर पुराने पुल पर आवाजाही बंद है, जिसको लेकर देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। CM धामी ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए नए पुल निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी है। देहरादून में ड्रोन से हो रही दवा की डिलीवरी, ब्लड सैंपल भी होंगे कलेक्ट। उत्तराखंड में ड्रोन के जरिए दवाइयों की डिलीवरी शुरू कर दी गई है। देहरादून में एक निजी कंपनी ने ड्रोन सर्विस लॉन्च की है। ड्रोन सर्विस के जरिए दवाइयों की डिलीवरी के साथ ही डायग्नोस्टिक सैंपल भी एकत्र किए जा सकेंगे। संगठन की मजबूती के लिए करण महारा का गढ़वाल दौरा, नैनबाग नौगांव और पुरोला का करेंगे भ्रमण। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा संगठन को मजबूत करने की कोशिश करने में लगे हैं। इसी कड़ी में करण महारा कल नैनबाग नौगांव और पुरोला का भ्रमण करेंगे। इस दौरान वे स्वागत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। जल्द शुरू होगी CHO भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया। CM धामी देंगे नियुक्ति पत्र। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत 664 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर रिजल्ट जारी किया जा चुका है, जिसके बाद अब काउंसलिंग प्रक्रिया शीघ्र आरंभ होगी। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित CHO को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री नियुक्ति पत्र देंगे। भगवानपुर में पैसों के लिए हुई थी नितिन की हत्या, मां सहित तीन बेटे गिरफ्तार। हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई नितिन हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मां और उसके तीन बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों भाइयों में एक नाबालिग है। हत्या की वजह पैसों को वापस नहीं देना था। DGP ने पुलिस अधिकारियों को कसे पेच, कहा अपराधियों में पैदा करे पुलिस का खौफ। उत्तराखंड में लूट और हत्या जैसे संगीन अपराधों में हो रही बढ़ोतरी पर DGP अशोक कुमार ने नाराजगी व्यक्त की है। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कल 5 दिसंबर DGP अशोक कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान DGP अशोक कुमार ने अधिकारियों के पेच कसे और पुलिस कर्मियों को अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कहा, ताकि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ बैठे। एक ही जगह पर सालों से डटे कर्मचारियों के होंगे तबादले, शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारियां। शिक्षा विभाग में सालों से एक जगह पर डटे कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है। सूची तैयार होने के बाद सालों में एक जगह पर डटे कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। निदेशालय स्तर पर ऐसे जानकारियां जुटाने की कसरत तेज हो गई है। रुद्रपुर, ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 5 उपनिरीक्षक लाइन हाजिर। काशीपुर में ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 5 उपनिरीक्षक पर कार्रवाई हुई है। SSP ने 5 उपनिरीक्षकों को लाइन हाजिर किया है, साथ ही उन्होंने भविष्य के लिए चेतावनी भी दी है। उत्तराखंड, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने को लेकर आयोजित होंगे मिलेट्स मेले। उत्तराखंड सरकार प्रदेशवासियों को पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक करने और जल्दी मिलेट्स मेले का आयोजन करने जा रही है, जिसकी शुरुआत ऋषिकेश से की जाएगी। मिलेट्स मेले का मकसद आम जनमानस को मोटे अनाजों के प्रति जागरूक करना है, साथ ही लोगों को डाइट में मिलेट को वापस लाना है। 25,000 के इनामी ठग को STF ने किया अरेस्ट, लाखों का चूना लगाकर 5 साल से था फरार। लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बने 25,000 के इनामी ठग को आखिरकार उत्तराखंड STF ने दबोच लिया है। आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ 2018 में रुड़की कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, तभी से वो फरार चल रहा था। आरोपी पूर्व में अपने गाँव का ग्राम प्रधान भी रह चुका है। अश्लील वीडियो बनाकर युवती का रेप किया, आरोपी माँ बेटे सहित फूफा पर भी मुकदमा दर्ज। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में युवती का अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और फिर धोखे से शादी करने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी की माँ और फूफा को भी आरोपी बनाया है, क्योंकि आरोपी युवक के फूफा ने भी युवती के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। श्रीनगर, स्मैक तस्करी में 2 उपनल कर्मचारी समेत 3 गिरफ्तार। श्रीनगर पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी के निशाने पर स्कूल और कॉलेज के बच्चे होते थे, जिन्हें ये महंगे दामों पर स्मैक बेचा करते थे। ऋषिकेश में ट्रेन के आगे कूदकर सकने की खुदकुशी, वजह जानने में जुटी पुलिस। देहरादून जिले के ऋषिकेश में सोमवार को एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक के शव को कब्जे में लिया। मामला श्यामपुर इलाके का है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।